नमस्कार दोस्तों और पेश बंसल आरबी मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फाजिलका के गांव डंगरगेड़ा में पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ पर माता बसंती देवी मंदिर की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर गांव को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया है। जगह जगह पर लाइटिंग की गई है, लड़ियाँ लगाई गई हैं, बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। माता बसंती देवी के मंदिर के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें 7 दिन तक देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया। उसके बाद यहाँ पर पूरन आहुति यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के मशहूर पंजाबी गायक राजू पंजाबी विशेष रूप से पहुंचे। इसके साथ ही बेबी बबता द्वारा भी यहां पर पहुंचकर अपनी सुरीली आवाज में माता का गुणगान किया गया। दिक्कत से यहां पर भगत जन पहुंचे हुए हैं। आरबीआई मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। हमारे संवाददाता संजय जलंधरा व ओम प्रकाश नारायणिया की यह रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। बसंती परम मंगलमयी कृपामयी प्राण प्राणेश्वरी माँ बसंती की असीम कृपा हम सब पर, उनकी अकारण कृपा कि यह कार्यक्रम माँ भवानी की कृपा से यहाँ जो 18 से 27 तारीख तक हुआ है, निर्विघ्न समाप्ति उसकी हुई है और अभी जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। और सब भक्तों पर माँ की अकारण अहेतु की कृपा है जो इस कार्यक्रम में सब लोगों ने पूरे भक्ति पूर्वक पूरे भक्ति विधान के साथ हिस्सा लिया। और उसी के साथ साथ यहाँ जो 13 ब्राह्मण नियुक्त किए गए सचंडी के लिए, उस सचंडी का आज पंचकुंडीय हवन के साथ निर्विघ्नता पूर्वक उसकी समाप्ति हुई है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही सब विद्वानों के सानिध्य में ऐसे कार्यक्रम इस ग्राम में होते रहें और माँ बसंती जो सबकी मरादें पूरी करने वाली हैं वो ऐसे ही सबकी झोलियाँ भरती रहें और माँ बसंती की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहें। सब भक्तों का कोटिशय नमन अभिवंदन और सभी का धन्यवाद। और उसी के साथ साथ इस कार्यक्रम की जो मीडिया कवरेज आरबी लाइव ने की है, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ भगवती की कृपा हम सब पर बने। जय माँ भवानी। ऊंचे नीचे पर्वतों पे चल के पड़ गए पांव में छाले, ज्वाला मा जय जय ज्वाला मा, ज्वाला मा ज्वाला मा जय जय ज्वाला मा, ज्वाला मा ज्वाला मा जय जय ज्वाला मा।
जय माँ भवानी। यहाँ डंगरखेड़ा में माँ भगवती बसंती मैया के मंदिर में श्री सुनील जी सांवरिया के सानिध्य में 18 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक श्री देवीमद भागवत कथा ज्ञान एक रस प्रवाह किया गया और उसी के साथ श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सत्चंडी दुर्गा सप्तशती से 100 पाठ जैसे होते हैं सत्चंडी विधान से किया गया और उसका आज 5 कुंडीय हवन यज्ञ पूर्णावती हुई और आज सायंकाल जागरण भी है। ये कार्य बड़े धूमधाम से संपूर्ण हुआ, निर्विघ्न पूर्ण हुआ माँ भगवती की कृपा से और पूरे ग्रामवासियों ने हर्ष और उल्लास से इसमें सहयोग भी किया और हिस्सा भी लिया। माँ भवानी कृपा करे ये सब ऐसा चलता रहे, यहाँ इस गांव में ऐसे ही खुशी होती रहे। मैं नारायण चौधरी, मेरे साथ हमारे
कमेटी के मरेसिंग कमेटी के जो मंदिर के डंगरखेड़ा बसंती माता मंदिर कमेटी के जो प्रधान है बलराज जी कारगवाल श्याम सुंदर जी और हमारी समस्त कमेटी ने हमारी मंदिर की 100 साल स्थापना दिवस जो आज 27 नवंबर 2018 को पूर्ण होने जा रहे हैं इसके उपलक्ष्य में हमने 18 तारीख को देवी भागवत की कथा और सचंडी का पाठ जो रखवाया गया था उसका आज समापन हुआ है। 27 तारीख को सुबह से यहाँ लंगर चल रहा है, गांव को पूरी बढ़िया बहुत तरीके से सजाया गया है, दिवाली के तरह सजाया गया है और गांव वालों का बहुत उत्साह है और बाहर दूर दूर से गांवों के जो लोग हैं वो यहाँ मत्था टेकने भी आए हैं। सारा दिन लंगर चला है और इस समय यहाँ जगराते का प्रोग्राम जो चल रहा है जिसमें गुरलाडा से बेबी बबीता और राजू पंजाबी जी आए हैं, जिसमें म्यूजिक जो है ललित दीवाना जी ने दिया है और से और यहाँ सारे गांव में खुशी का इतना माहौल बढ़िया है जैसा कि हमारी लगातार दूसरी दिवाली आई है, दिवाली से भी ज़्यादा माहौल जो है वो अच्छा है। इतना उत्साह है लोगों में यहाँ पे कि इस प्रांगण में इतना रश है आज, उसी उपलक्ष्य में खुशी है लोगों को और दूर दूर से जो बाहर से आए हैं उनके लिए भी खास खाने का प्रबंध किया गया है, रहने का भी प्रबंध किया है। यहाँ पे 7-9 दिन तक जिस सचंडी पाठ और श्री देवी भागवत की जो कथा जिक्र दी गई है वो सांवरिया जी वृंदावन धाम वाले उनसे की गई है, योगेश जी शर्मा थे वो मुख्य हमारे जो शर्मा जी थे वो थे जिन्होंने पूजा पाठ करवाया। आज सुबह कम से कम 50 जोड़े जो थे वो उनके द्वारा हवन यज्ञ की आहुति दी गई और बाकी जो थे गांव के उनके द्वारा भी गांव के लोगों द्वारा भी और आम पब्लिक द्वारा भी उन जो हवन के जो हमारे कुंड बनाए गए थे उनमें हवन सामग्री डाल के उनकी आहुति दी गई और गांव की भलाई के और सभी हमारे समस्त एरिए की भलाई के लिए ये जो कार्यक्रम है बहुत सफल रहा हमारा, ये कहते हुए नमस्कार करें।